और महाराष्ट्र से है जहां पर मुंबई में छठ पूजा आयोजन को लेकर बीजेपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में छठ पूजा आयोजन को लेकर एनसीपी को कोर्ट से इजाजत मिल गई है। घाटकोपर के आचार्य अत्रे मैदान पर छठ के आयोजन को लेकर एनसीपी की पूर्व नगर सेविका राखी जाधव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल राखी जाधव का कथित आरोप है कि बीएमसी ने पहले उन्हें इजाजत दी थी, लेकिन बीजेपी के दबाव के चलते उनका परमिशन रद्द कर दिया है। बीजेपी समर्थित अटक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान को परमिशन दे दिया है। इसके बाद राखी जाधव ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी जाधव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी के पहले वाले परमिशन को बरकरार रखा है, यानी कि अब एनसीपी मुंबई के घाटकोपर पूर्व के आचार्य अत्रे मैदान में छठ पूजा का आयोजन कर पाएंगी। की ओर से हमको अगस्त में जो परवानगी मिली थी वो गणेश उत्सव के दरमियान, नवरात्र उत्सव के दरमियान और छठ पूजा के दरमियान हमको वहाँ पे आचार्य अत्रे मैदान में कृत्रिम तालाब बनाने की परवानगी मिली थी। उस आधार पे हमने गणेश उत्सव वहाँ पे मनाया, हमने नवरात्र उत्सव वहाँ पे मनाया। इन दोनों कार्यक्रमों में उस जगह पर सारी व्यवस्था जो थी महानगर पालिका के माध्यम से हमको मिली थी। लेकिन आप देखेंगे तो इन गए 15 दिनों में जो यहाँ पे महानगर पालिका की भूमिका रही, ये एक अस्पष्ट ऐसी एक भूमिका रही और इस वजह से हमको उच्च न्यायालय आना पड़ा।